नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 26 जुलाई। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करेंगे तो पिछले हफ्ते के अंदर एमसीएक्स बुलडेक्स के अंदर हमने करीबन 1.25% की गिरावट आती हुई देखी। रिजल्टेंट गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही हमने 1% से 2% की गिरावट बनती हुई देखी। इंटरनेशनल में डॉलर इंडेक्स में तेजी बनी हुई है, बॉन्ड यील्ड में भी हमने इजाफा देखा जिसकी वजह से तेजी थी। बट कहीं ना कहीं कोरोना कंसर्न भी है जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। वहीं मेटल इंडेक्स के अंदर हमने 1.5% की तेजी आती हुई देखी। रिजल्टेंट हमने कॉपर में 4% की बड़ी तेजी, जिंक के अंदर हमने 1.5% की तेजी, निकल में 3% की तेजी, एल्यूमिनियम में 0.35% की तेजी, बट लेड ज्यादा सुधार नहीं कर पाया। ओवरऑल बेस मेटल में हमें लगता है चाइना की जो सेलिंग आनी है 28 तारीख को, उससे पहले मार्केट में बिल्कुल तेज बना हुआ है, क्योंकि जो डेटा पॉइंट आ रहे हैं वो कहना कि सपोर्टिव है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सुधर रही है। वहीं एनर्जी पैक की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल फ्लैटी स्टोन के साथ ट्रेड किया है। नो डाउट ओपेक के अपडेट के बाद पिछले सोमवार को हमने 7% की बड़ी गिरावट आती हुई देखी, जो 5300 से करीबन 4880 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। बट प्राइजेस फिर से रिकवर करके हमने 5369 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, मतलब जो बड़ी गिरावट थी वो पूरी की पूरी रिकवर हो गई। वहीं नेचुरल गैस के अंदर भी हमने 10% की बड़ी तेजी देखी और प्राइजेस पहली बार 2021 के अंदर 300 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। इन ऑल अगर हम पूरे मेटल पैक्स की बात करें तो हमें लगता है कि ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेड से मिनट्स भी आने हैं। एमसीएक्स बुलडेक्स के अंदर हमने शुक्रवार के सेशन में 0.27% की गिरावट आती हुई देखी है, क्योंकि डॉलर में थोड़ी बहुत मजबूती दिखी, बॉन्ड यील्ड में तेजी थी, इक्विटी मार्केट के अंदर भी हमने देखा कि थोड़ा सा एक चहल पहल मना गया हुआ था। बट डेल्टा वेरिएंट का जो कोविड कंसर्न है, आज सुबह अपडेट आया कि ऑस्ट्रेलिया फिर से 5th वीक लॉकडाउन में है, जो कहीं ना कहीं गोल्ड को लोअर लेवल पर सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, जो एमसीएक्स बुलडेक्स को भी सपोर्ट करेगा। तो आज के लिए 14,500 के करीब एमसीएक्स बुलडेक्स को लेके चलिए। 14,640 का इंपॉर्टेंट हर्डल है, ये लेवल अगर तोड़ता है तो 14,700 का भी लेवल क्रॉस कर जाएगा। गोल्ड की अगर बात करें तो हमने फ्लैटी स्टोन के साथ गोल्ड और सिल्वर को ट्रेड करते हुए देखा शुक्रवार को। आज गोल्ड लेके चलिए 47,530 पे ही, जो अपसाइड में 47,850 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं चांदी 67,000 के ऊपर पॉजिटिव है, जो 67,850 से लेकर 68,200 तक का लेवल दिखा सकती है। क्रूड के अंदर शॉर्ट कवरिंग जरूर थी, बट अपसाइड कैप है, क्योंकि धीरे धीरे कोविड कंसर्न की वजह से डिमांड में ड्रॉप रहेगा जो प्राइजेस पर दबाव ला सकता है। तो आज बेच के चलिए, जो 50-50 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, 300 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो 316 तक का लेवल दिखा सकता है। आज थोड़ा भी पुलबैक मिलता है 298 तक तो लेके चलिए, ऊपर में 304 का लेवल तोड़ने पे 312 तक का लेवल दिखा देगा। बेस मेटल के अंदर भी हमने शुक्रवार के सेशन में बड़ी तेजी आती हुई देखी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में जिस ढंग से इज आउट हुआ है और इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। साथ में इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े जो आए हैं वो भी अच्छे आए, जिसकी वजह से पूरे बेस मेटल को सपोर्ट मिला हुआ है। चाइना में फ्लडिंग सिचुएशन के चलते काफी माइंस बंद भी है, जिसकी वजह से सप्लाई टाइट है और प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो आज भी बेस मेटल को सपोर्ट रहेगा, बट ध्यान रखिए शुक्रवार की बड़ी तेजी के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, क्योंकि एलएमई पे आज मार्केट सोचता है, जहां पे जिंक में गिरावट है, लेड में गिरावट है, तो आज हायर लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग बेस मेटल पे देखने मिल जाएगा। गोल्ड 1806 के ऊपर स्ट्रांग है, जो 1812-1815 तक का लेवल दिखा सकता है। चांदी 25-26 के बीच में ट्रेड करेगी। WTI और ब्रेंट दोनों में आज गिरावट रह सकती है। नेचुरल गैस में दिन के सेशन में गिरावट है, बट $4 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है। वीक्स में तेजी है, जिसकी वजह से इक्विटी में आज गिरावट देखने मिल सकती है। डॉलर इंडेक्स 93 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज US से न्यू होम सेल्स का डेटा आना है, जो अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सोनी चांदी पे शाम के सेशन में दबाव बन सकता है। चार्टिकली एमसीएक्स बुलडेक्स में 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्रेशर जरूर है, बट आज प्राइसेस 14,640 तक जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। गोल्ड भी 47,500 का सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है, जो 47,840 तक का लेवल दिखा सकता है। क्रूड में जब तक 5400 के ऊपर नहीं निकलता है, एक फॉल मिल सकता है, जो 50-50 का लेवल दिखा सकता है। कॉपर में अगस्त वायदे के अंदर भाव जरूर है, बट आज एक पुलबैक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे दिखा सकता है। तो आज बेस मेटल में संभल के ट्रेड कीजिए, क्रूड में बिकवाली कीजिए, सोने चांदी में लेवाली करके चलिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।